नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप गैस गीजर का कार्य सीखना चाहते हैं, या फिर जो दोस्त नए हैं अभी इस फील्ड में, अगर वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पा रहे, तो मैं अपने इस चैनल पर एक श्रृंखला को शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें लगभग 20 वीडियोज होंगे और वो एक क्रैश कोर्स होगा पूरा गैस गीजर के काम को सीखने के लिए। वैसे आपको मेरे चैनल पर गैस गीजर की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें आपको लगभग 150 वीडियोस मिल जाएंगे हर प्रकार के फॉल्ट के ऊपर जो अक्सर गैस गीजर में आते हैं, और आप इस लाइन में अभी काम सीख रहे हैं तो वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक 20 वीडियोस की नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कहाँ से आपको काम सीखना शुरू करना है, और आप यकीन मानिए उन 20 वीडियोस को देखने के बाद, उनको एनालिसिस करने के बाद आप गैस गीजर काम पूरी तरह से सीख जाएंगे। तो इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में आज हम गैस गीजर का वो पहला वीडियो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम गैस गीजर के सभी बेसिक कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, क्योंकि इस वीडियोस को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि इस कंपोनेंट का जो मेरे गैस गीजर में इस जगह पर स्थित है इसका काम क्या है, तब तक आप गैस गीजर की फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये जो श्रृंखला है वो लगभग 20 वीडियोस की होगी, और इस श्रृंखला में मैं आपको लगभग वो सारे जो फॉल्ट हैं और उनकी फॉल्ट फाइंडिंग है वो स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले गैस गीजर के बेसिक कंपोनेंट और उनके कार्य, तो चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे गैस गीजर के बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में, क्योंकि आप जब भी गैस गीजर का काम सीखना शुरू करते हैं तो हमें उसके बेसिक कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। अभी आप एक गैस गीजर देख रहे हैं, इसका मैंने फ्रंट कवर खोला हुआ है ताकि आपको मैं ये सभी कंपोनेंट आसानी से बतला सकूं और दिखा सकूं। इसका जो फ्रंट कवर है उसे खोलने के लिए दो स्क्रू ऊपर की तरफ से और दो स्क्रू नीचे की तरफ से खोलने होते हैं, जब ही जाकर हमारा ये फ्रंट कवर खुल जाता है। अब आप जब भी किसी गैस गीजर को रिपेयर करने जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लो प्रेशर टाइप गैस गीजर है या फिर हाई प्रेशर टाइप। लो प्रेशर से मतलब यह होता है कि दोस्तों, वो गैस गीजर जो कम से कम पानी में भी अपना पूरा काम ठीक प्रकार से कर ले, और हाई प्रेशर का मतलब होता है दोस्तों कि उस गीज़र के लिए हमें पानी का प्रेशर कुछ ज़्यादा चाहिए होता है इस लो प्रेशर के बजाय। वो अक्सर हम जहाँ की टैंकियाँ ज़्यादा ऊपर होती हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं, और उसका एक फ़ायदा होता है, वो अभी मैं आपको आगे वीडियो बताऊँगा। लेकिन अभी जो आप गैस गीजर देख रहे हैं ये लो प्रेशर टाइप है। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है दोस्तों बेसिक, वो होता है हमारा बैटरी बॉक्स। इसमें हमारे दो बैटरियाँ डलती हैं जो हमारे इस गैस गीजर के इस सर्किट बॉक्स को सप्लाई देती हैं, और इसी से सारा मैकेनिज्म चलता है। इसके बाद हमारा दूसरा महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट है वो है हमारा सर्किट बॉक्स, या फिर इसका जनरेटर बॉक्स भी आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद हमारा मैग्नेट सेंसर, उसके बाद हमारी रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, ये गैस की सप्लाई को ऑन करती है और ऑफ करती है। उसके बाद हमारा थर्मल स्विच, ये पानी के तापमान को कंट्रोल करता है। अगर तापमान एक निश्चित सीमा से ज़्यादा चला जाता है, यानी कि अगर 17 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान चला जाएगा, तो ये जो थर्मोकपल है ये गैस गीजर की सप्लाई को बंद कर देगा, हमारा जो सर्किट बॉक्स है इसमें सप्लाई जाना बंद हो जाएगा। ये जो थर्मोकपल दोस्तों, ये कई गैस गीजरों में यहाँ होता है गर्म पानी की आउटपुट पर, और कईयों में यहाँ पर भी होता है, और कईयों में यहाँ पर भी होता है, और इसके अलावा एक और थर्मोकपल होता है, उसका और कार्य होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी मैं आपको दोबारा से फिर बता देता हूँ, बैटरी बॉक्स, मैग्नेटिक सेंसर, सर्किट बॉक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले, थर्मोकपल स्विच, और ये हमारा बर्नर असेंबली, और ये हमारा जेट बर्नर असेंबली, ये जिसमें हमारी आग जलती है। ये तीन बर्नर सेट होते हैं, आप देख सकते हैं, किसी में दो भी होते हैं, वो जो गैस गीजर वाली कंपनियां कई बार दो बर्नरों के साथ गैस गीजर देती हैं, उनकी कैपेसिटी कम होती है।
उसके बाद दोस्तों ये हमारा हीट एक्सचेंजर, ये एक धातु का बॉक्स टाइप नुमा एक खोल होता है और इसके चारों तरफ कॉपर की पाइप से लिपटी होती है जिनमें हमारा पानी सर्कल करता है यानी घूमता है, और घूमने से वो इस चैम्बर में जब आग जलती है इस बर्नर के द्वारा तो वो गर्म होकर हमें आउटपुट से मिल जाता है। ये इसका फ्लू है यानी कि इसकी चिमनी है। यहाँ से हमारी अनवांछित गैसें इधर से और इधर से प्रेशर पड़ने पर यहाँ से निकल जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस गैस गीजर को बाथरूम से बाहर ही लगाना चाहिए, क्योंकि जब भी जहाँ भी आग का दोहन होता है वहाँ पर ऑक्सीजन का क्षरण होता है यानी कि ऑक्सीजन उसमें कंज्यूम होती है जिससे उस स्पेस की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे, और यही एक सबसे बड़ा कारण होता है गैस गीजर के साथ हादसे होने का। उसके बारे में भी कई वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो मैंने आपको महत्वपूर्ण कंपोनेंट बता दिए हैं, अब तीन कंपोनेंट और हैं जो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये है इसका लाइटर स्टोन। इस जनरेटर बॉक्स से या इस सर्किट बॉक्स से एक ऊर्जा मिलती है जो गैस यहाँ पर आने के बाद, जैसे हमारा घरेलू गैस गीजर लाइटर होता है, जो हमारा गैस चूल्हा लाइटर होता है उसी की तरह इसमें स्पार्क निकलता है। एक स्टोन ये होता है और एक स्टोन ये होता है। इनकी पहचान होती है कि इनकी जो तार है ये आगे वाली ये छोटी होती है, और ये होता है हमारा सेंसर जो आग जलने के बाद हमारे लाइटरों की सप्लाई को काट देता है ताकि हमारी बैटरी ज़्यादा खर्च ना हो। तो दोस्तों ये थे वो महत्वपूर्ण कंपोनेंट जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी था। आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है। उसके बाद फिर हम सिलसिलेवार चलते रहेंगे और गैस गीजर का काम कैसे सीखते हैं उसके बारे में जानते रहेंगे, और एक 10 या 20 वीडियो की श्रृंखला मैं ऐसी संपूर्ण बनाऊंगा जिससे आपको गैस गीजर का काम पूरी तरह से कंप्लीट आ जाएगा। जाते जाते मैं एक कंपोनेंट रह गया है जिसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कई बार वो कंपोनेंट हमारे इस कवर में होता है आगे की तरफ और कईयों में नीचे की तरफ होता है। दोस्तों ये होता है इसका स्विच, ऑन ऑफ का स्विच। इसके द्वारा हम हमारे गैस गीजर को आपातकालीन बंद कर सकते हैं। कई बार इसे हम कोल्ड या हॉट वाले मोड के सेक्टर स्विच के रूप में भी जानते हैं। और एक होता है हमारा इंडिकेटर। ये वो तमाम सभी कंपोनेंट हैं जो एक गैस गीजर में लगभग होते हैं, कुछ को छोड़कर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आप गैस गीजर काम सीखना चाहते हैं तो इस श्रृंखला को मिस मत कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।